हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में, जिनके अंदर आप पबजी बहुत ही मजे से खेलेंगे। पबजी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। सब लोग चाहते हैं कि वो अपने फोन में पबजी को बढ़िया तरीके से इंजॉय करें, तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर बजट के बेस्ट गेमिंग डिवाइसेस, मतलब कि 8000 से लेके 1 लाख तक के सारे फोन्स जो बेस्ट हैं गेमिंग के लिए। सो ये जो मैंने फोन सिलेक्ट किए हैं बेस्ट गेमिंग डिवाइसेस, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे किए हैं कि जिसके अंदर सिर्फ प्रोसेसर बड़ा है उसको हमने चूज कर लिया, ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरी टेस्टिंग करी है और आपको जिसमें बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है ये वो फोन है। मतलब इनके अंदर डिस्प्ले को भी पूरी तरह टेस्ट किया है मैंने, उसके बाद हमने देखा है कि बैटरी किसमें आपको अच्छी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग, हीटिंग, परफॉर्मेंस, हर एक पॉइंट को पूरी तरह टेस्ट किया है और उसके बाद आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये बेस्ट गेमिंग फोन। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को, और साथ ही अगर आपको बाकी लिस्ट देखनी है, बाकी सारे बजट में बेस्ट फोन कौन से हैं, तो वो लिस्ट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 1 लाख के बजट से। 1 लाख के बजट में आता है हमारे पास मोस्ट प्रीमियम डिवाइस, जो कि है हमारा iPhone XS Max। ये हमारा मोस्ट प्रीमियम डिवाइस है जिसका की प्राइस है 1,10,000, और ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है। इसके अंदर आपको A12 बायनिक चिपसेट मिलता है और जो स्मूथनेस का लेवल इसके अंदर मिलता है वो तो हमें गेमिंग डिवाइसेस के अंदर भी देखने को नहीं मिलता। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हीटिंग इशू का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मजे से गेम खेल सकते हैं। ऑडियो आउटपुट मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त iPhone XS का और XS Max का, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी भी फोन से। आपको फील बहुत बढ़िया आएगा गेम खेलते समय। साथ ही बैटरी भी हमारी सही है, चार्जिंग जो है फास्ट चार्जर नहीं देता एप्पल आपको, लेकिन एक फास्ट चार्जर आपको अवेलेबल है मार्केट में, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप उससे अपने डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी मिलती है, मतलब एप्पल का डिवाइस है ये हमारा XS Max। इसके अंदर जो सॉलिडनेस, जो फिनिश, जो क्वालिटी, जो प्रीमियमनेस मिलती है वो किस और फोन में हमें नहीं देखने को मिलती। एक्चुअल में तो ये हमारा एक स्टाइल स्टेटमेंट है, आपने iPhone XS Max पकड़ा हुआ तो कोई बात ही नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट डिवाइस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस में भी ये हमारा बेस्ट डिवाइस है। गेमिंग रिव्यू आप देख सकते हैं मेरे TNG गेमिंग चैनल पे, अगर डिटेल में फीचर्स को जानना चाहते हैं तो अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। अब इसके बाद 60,000 से 70,000 रुपए के बजट में आता है हमारे पास एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस, जो की है ASUS ROG, और इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर। साथ में आपको काफी सारे गेमिंग फीचर्स मिलते हैं, पीछे बैक साइड में लाइट मिलती है, इसका जो हमारी लुक है वो एकदम डिफरेंट है जैसे गेमिंग डिवाइसेस में हमें चाहिए होती है, और साथ में एक एडिशनल फैन भी मिल जाता है आपको जिसको कि आप लगा सकते हैं डिवाइस के ऊपर। उसके अंदर पोर्ट्स भी हैं, लाइट भी है, सब कुछ है, मतलब बहुत सारे फीचर्स डाले गए हैं। साथ में फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिलते हैं तो आपको बढ़िया साउंड मिलेगी, बैटरी बैकअप भी ठीक है हमारे इस डिवाइस का, साथ में आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। कमी इसमें कैमरा वाइज आ जाती है कि कैमरा इसके दोनों ही अच्छे नहीं है, ना फ्रंट ना बैक, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, फीचर्स आपको बहुत सारे मिलते हैं। ये इसका जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 70,000 रुपये में मिल जाएगा। बट अभी हमारा ASUS ROG 2 आने वाला है, जुलाई में लॉन्च हो जाएगा और अगस्त में उसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि ज़्यादा बेटर है, अभी का लेटेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस लेना है ASUS ROG, तो उसका अभी वाला लेटेस्ट ही लेना है, इसको लेके क्या फ़ायदा। हालांकि फिर भी अगर आप इसको लेना चाहें तो नीचे लिंक दिया हुआ है और सारी आप इसकी टेस्टिंग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 50,000 से 60,000 रुपए का बजट। इसके अंदर आता है हमारे पास मोस्ट पॉपुलर डिवाइस, जो कि है हमारा OnePlus 7 Pro। इसके अंदर हमें फ्लैगशिप लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 855 का, जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है, और इस डिवाइस का सबसे प्यारा पॉइंट है इसका डिस्प्ले जो कि कमाल का लगता है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, 6.67 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले है, और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है आपको, साथ में कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो मतलब डिवाइस के अंदर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से गेमिंग को इंजॉय कर सकते हैं, आपको हैप्टिक फीडबैक मोटर भी बहुत बढ़िया मिलती है, तो मतलब एकदम एक्सपीरियंस तो आपका बढ़िया ही आएगा। हालांकि कूलिंग टेक्नोलॉजी के बाद भी हल्का सा डिवाइस हीट होता है ये अपने, और अगर आप 90Hz के रिफ्रेश रेट पे ही रखेंगे डिवाइस को तो आपकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी,
तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम है डिवाइस का। सेल्फी कैमरा इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे इसका, और जो वीडियोग्राफी इस डिवाइस से आप बढ़िया नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। साथ में एक और मेजर नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको 3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता, ना ही साथ में आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, ना ही साथ में आपको डोंगल मिलता है कनेक्टर जो होता है हमारा। तो आपको अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करके इसको मतलब यूज़ करेंगे गेमिंग के लिए, वैसे नॉर्मल वाले को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा इशू है इस डिवाइस के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो हमारा ये बहुत ही सॉलिड डिवाइस है, एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है आपको, डिस्प्ले भी बहुत ही कमाल का मिलता है। इसका हमारा स्टार्टिंग प्राइस है 49,000, 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी का। इसके सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इसके अनबॉक्सिंग का भी, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से लेने से पहले एक बार ये उसको जरूर देखें, वो मिल जाएगा आपको द न्यूट्रिगल चैनल पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 40 से 50 हज़ार रुपए का बजट। इसके अंदर आता है हमारे पास एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस जो कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, और सबसे बढ़िया चीज है कि इस पर आपको एक जबरदस्त ऑफर मिल रही है। डिवाइस है हमारा ब्लैक शार्क 2, और ये आपको 4,000 रुपए का पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है एक बार जरूर देखिएगा। ये हमारा चीपेस्ट डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस है इस बजट का, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलता है और बहुत सारे फीचर्स डाले हैं कंपनी ने इसके अंदर। पहली बात, 6.39 इंच का एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है आपको, साथ में डायरेक्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, डिवाइस हमारा हीट नहीं होता है, साथ में गेमिंग इकोसिस्टम मिलता है जिसके अंदर गेम मोड है, गेम फीचर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे फीचर्स डाले हुए हैं जिससे कि आप डिवाइस को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। लाइटनिंग इफेक्ट डाला हुआ है बैक साइड में, और हैप फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको, तो मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस इस डिवाइस का बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर बैटरी भी आपको 4000 mAh की मिल जाती है, साथ में 27 वाट का फास्ट चार्जर भी है, तो डिवाइस हमारे लिए बढ़िया बन जाता है। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर जो ऑफर चल रही है कि ये आपको 4000 रुपये में पड़ सकता है। कैसे पड़ता है वो बताती हूँ, ये आपको खरीदना होगा 40 में ही। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग बिना सुने फालतू में कमेंट करते हैं, 40,000 रुपये आपको इसके देने पड़ेंगे, साथ में एक बाय बैक गारंटी ऑफर होती है, वो खरीदनी होगी 500 रुपये की। 3 महीने बाद जब इस डिवाइस को आप एक्सचेंज करेंगे नया डिवाइस लेने के लिए, तो इसकी वैल्यू 36,000 लग जाएगी। कोई भी फोन में अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं तो उसकी वाट लग जाती है, ये तो गेमिंग डिवाइसेज हैं, इनमें अगर आप ज्यादा गेमिंग करोगे तो इनमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो 3 महीने में आपको गारंटी मिल रही है कि 36,000 वैल्यू मिल जाएगी आपके फोन की, तो मेरे हिसाब से तो ये जबरदस्त ऑफर है। 3 महीने बाद कोई भी नया फ्लैगशिप फोन ले लेना, या चाहे यही ले लेना, आपका फोन हमेशा बढ़िया ही रहेगा। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब 30 से 40 हज़ार रुपए में आता है हमारे पास एक और पॉपुलर डिवाइस जो की है हमारा OnePlus 7। इसके अंदर भी हमें बहुत ही तगड़ी गेमिंग मिलती है, मतलब इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर है, एंटूटू स्कोर भी इसका 366,000 आया था, काफ़ी ज़्यादा आया था 7 प्रो से, साथ में UFS 3 मिलता है आपको, तो बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस है। एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले को भी अच्छे से इंजॉय करोगे, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है आपको। ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के लिए तो डिवाइस हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम कमाल की आपको गेमिंग मिलेगी। सेल्फी कैमरा इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेकार है, और साथ ही वीडियोग्राफी अगर आपको करनी हो तो वो भी आपको बढ़िया नहीं मिलेगी, उसके अंदर हमें क्रॉप सेंसर मिलता है तो वो मज़ेदार नहीं है। तो गेमिंग के लिए तो ज़बरदस्त है, सो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका प्राइस है 33,000 से ये स्टार्ट होता है, और 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद 31,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब 20 से 30 हज़ार रुपये के बजट में आता है हमारे पास फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ ASUS 5Z। ये हमारा थोड़ा सा पुराना डिवाइस है, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, वैसे बढ़िया परफॉर्मेंस आती है इसके अंदर हमारी, साथ में बिल्ड क्वालिटी भी इस डिवाइस की बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस लगता है ये हमारा। साथ में फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 33 mAh की बैटरी मिलती है आपको, और बैटरी बैकअप भी ज़्यादा नहीं मिलता, मतलब चार्ज करना पड़ सकता है आपको इसको 2 बार। और वैसे 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले से भी इंजॉय करोगे, वैसे आपको बढ़िया लगेगा डिवाइस यूज़ करने में। और सेल्फी कैमरा जो है इसका वो अच्छा नहीं है, मतलब डार्क से पिक आती है काफ़ी ज़्यादा, तो मज़ा नहीं आता सेल्फी लेने में। इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट आपको 22,000 रुपये में पड़ जाएगा, ये हमारा काफ़ी सस्ता डिवाइस है ASUS की तरफ से बढ़िया क्वालिटी में। अब 15 से 20 हज़ार रुपये के बजट में आता है हमारे पास एक और फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ POCO F1। ये हमारा सबसे चीपेस्ट डिवाइस बन जाता है फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ।
स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है हमें 18,000 रुपए में। मतलब ये 18,000 रुपए के बजट में एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप HDR सेटिंग्स में, मतलब HDR ग्राफिक्स में पबजी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़िया गेमिंग मिलती है आपको एकदम सॉलिड, साथ में आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है, बड़ी बैटरी भी मिलती है, डिस्प्ले भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, और अच्छी बात यह है कि कैमरास भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो कैमरा वाइज भी आप डिवाइस को अच्छे से इंजॉय करोगे, हर चीज़ में बढ़िया है। सिर्फ एक प्लास्टिक बॉडी मिलती है, वो तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, इतना तो आप एडजस्ट कर ही लोगे। बाकी तो कंपनी ने आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर भी दे दिया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें डाल के दे दी हैं, तो इतना तो बंदा एडजस्ट कर ही लेता है। 18,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, 6GB रैम, 64GB वाला वेरियंट। इसकी भी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग आप सब कुछ देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब 10 से 15,000 रुपये के बजट में आता है हमारे पास Realme 3 Pro। इस लिस्ट के अंदर इस बार हमारा Realme 3 Pro आया है। पहले मैंने Redmi के Note 7 Pro को लिया था। काफ़ी लोग कहेंगे ऐसा क्यों किया है, तो वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि तो एक अपडेट के बाद Realme 3 Pro की परफॉर्मेंस हमारी बेटर हो गई है Redmi Note 7 Pro से, तो इसीलिए ये आ रहा है हमारी इस लिस्ट का बेस्ट डिवाइस। स्नैपड्रैगन 710 का इसके अंदर हमें प्रोसेसर मिलता है, 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 4045 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में वोक चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर ही, ये बढ़िया चीज़ है। और डिवाइस के अंदर परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाती है। इसका 4GB रैम, 64GB वाला वेरियंट आपको 14,000 रुपये में मिल जाएगा। इसका भी खरीदने का लिंक, टेस्टिंग का लिंक और अनबॉक्सिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप एक बार जरूर देखें। और 10,000 से नीचे के बजट में आता है हमारे पास रेड कलर में Redmi Note 7। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है, और ये अंडरक्लॉक प्रोसेसर नहीं है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब आपको इसके अंदर जो बढ़िया वाला प्रीमियम वाला वेरिएंट है 660 का, वो मिलता है, तो परफॉर्मेंस आपकी डिफरेंट आएगी। जो इस बजट में बाकी 660 आते हैं उनसे अलग परफॉर्मेंस मिल रही है आपको, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। साथ में टाइप सी पोर्ट भी देते हैं इस डिवाइस के अंदर, ग्लास बॉडी देते हैं जिसके अंदर फील बहुत बढ़िया आती है, स्टाइलिश लगता है डिवाइस हाथ में होल्ड करने में। 4000 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जर नहीं देते हैं, लेकिन MI का एक फास्ट चार्जर आता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। साथ में कमी आ जाती है कि हाइब्रिड स्लॉट मिलता है इसके अंदर हमें, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि दो सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड लगाना है या नहीं लगाना है। बाकी देखा जाए तो ये डिवाइस हमारा एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है 10,000 रुपए के बजट में, जिसको आप ले सकते हैं और मजे से गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी हमारी लिस्ट बेस्ट गेमिंग फोन्स की। आगे मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाती रहूंगी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।